इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो अंकिल जी, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? भाई आप कौन बोल रहे हो? फोन आपने क्या? यही तो बात है ना, इतना मतलब ईगो लेके कहाँ जाओगे? सबने एक दिन चले जाना है। मैं कौन सी अगर लोग एक भाई बताना, सेकंड किसने फोन? एक सेकंड एक सेकंड मैंने कुछ बदतमीजी करी आपसे? मैंने क्या बोला फोन लगा के कि आप मैं क्या कौन? बदतमीज करा? आप बताओ ना कौन बोल रहे हो। आप बताओ ना, आप कौन बोल रहे हो? आप नहीं बता सकते आप कौन बोल रहे हो? अरे भाई फोन किसने किया है? काम क्या आपको, ये बताइए। अरे भाई फोन तूने किया, मैं काम बताऊं तो तू ही तो बता देना, इतना ईगो क्यों है? मैंने अपना ईगो तोड़ के तेरे को फोन किया, कम से कम तू अपना नाम नहीं बता सकता? तेरे को काम क्या, तू नहीं बता सकता? दोनों मैं ही बताऊं? सुन मैं मेरी क्यों बात, बताऊं सुन फोन मेरी तूने बात, किया मैंने सुन किया? एक हाँ मिनट, मेरी बात सुनिए। अब भाई साहब, जी मैं बहुत बिजी हूँ, जल्दी बताइए क्या काम भाई, तू बिजी है मतलब? फोन तूने किया, मैं खाली बैठा हूँ यहाँ पे। है? एक सेकेंड, अगर आप बिजी होते ना हाँ तो आप फोन काटते, उठाते नहीं। फोन कैसे काटते पता है? कैसे? ये लो। एक हेलो। सेकेंड। बिजी हो, बिजी होते फिर फोन उठाते तुम। हेलो, अरे मर रहा होगा पता नहीं, उसके चक्कर में मुझे गलत थोड़ा सा हुआ है। मत और क्या बोलिए। तूने अब की बार मेरे को खराब किया ना, जाले घूमा मैं। हेलो हेलो, हाँ जी, मैं सुरभि बात कर रही थी। सॉरी। आप जी बात कर रहे हैं ना? हाँ जी, आपकी रिगार्डिंग आपसे बात हुई थी, जब भी आप उठा के फोन गंदा संदा बोल रहे हैं। आप देख तो लीजिए नहीं किसका गंदा गंदा नंबर, नहीं बोल रहा मैं, आप एक्चुअली मुझे परेशान कर रहा है आपका भाई। नंबर देख लीजिए ना सर, आप नंबर नंबर देख। नहीं, वो अलग अलग नंबर से बार बार अलग फोन कर अलग रहा था नंबर से मुझे। कर रहे हैं सर, ये क्या बात हो गई? नहीं, मैम मैं आपको 2-3 हफ्ते से लगा रहा था फोन, एक्चुअली हाँ तो आप बता आपका दीजिए मिल नहीं ना रहा था। आप अपना नंबर एक बार लिखवा दीजिए जल्दी से। 239421। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो मैं आपकी कॉल अभी ट्रांसफर करूंगी सर के पास। हाँ जी हाँ जी आप अपनी कंसर्न उनको एक बार बता दीजिएगा, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है, लेकिन हाँ थोड़ा जल्दी बताइएगा। हाँ जी हाँ जी हेलो, हाँ। जल्दी किस लिए? नहीं उनको थोड़ा जल्दी बताइएगा। नहीं जल्दी कैसे बताऊं, मतलब मेरे को तो कंसर्न समझाना तो पड़ेगा ना उनको। आराम से बताऊंगा, आप तो नहीं हमेशा आप जल्दी बताते नहीं हो। आप उनको जल्दी बताइएगा, पता है क्यों? हाँ क्यों? भाई साहब मैं बोल रहा था ना, मैं बहुत बिजी चल रहा हूँ अभी, बता। अबे तेरी कुत्ते 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलूंगी नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो जी कौन? अंकिल जी, नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो आवाज आ रही है आपको? आ रही है आवाज? तू बोल। हेलो, मैं बोल। अरे हाँ जी, मैं कह रहा था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल जी, एक मिनट चाहिए था आपका, कई लोगों को मैं फोन लगा रहा था। हेलो, हाँ बोल। ठंड जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, लोग बड़ी क्या तकलीफ में आ रहे हैं। लोगों के पास ना बेसिक नुस्खे नहीं है, वरना उन लोगों को ठंड लगती नहीं। ठंड एक सोच है भाई साहब, लगती नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि लग रही है। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर आपको मैं बताता हूँ दो तीन चीजें, आप एक ठंडी पानी की बाल्टी लेके अपने सामने नहाने के लिए खड़े हो जाइए, बस आपको तुरंत कपकपी छूटेगी, आपको गर्मी लग गई। देखा, ये इतना सरल तरीका गर्मी लाने का। बोल हेलो, रहा है। इसके हेलो क्या अलावा और क्या कर सकते हैं कर सकते हैं आप? बता। कच्छा और बनियान में टहलिए सड़क पे, और बढ़िया में उससे क्या होगा? उससे बुखार आ जाएगा, टेम्परेचर अपने आप बढ़ जाएगा, बुखार से गर्मी और शरीर में। अरे इतनी बचाओ। एक सेकेंड, मेरी बात सुनिए, एक और है। आप गाड़ी के अंदर एसी चलाइए जोर से, अच्छा जैसे एसी ठंडा करेगा आप अपना दोनों हाथ रगड़ेंगे ऐसे, तुरंत गर्मी आ अरे गई। हाँ आप किसी के घर में चोरी की कोशिश भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा? पुलिस आएगी, पुलिस का डंडा देख के वैसे ही पसीने छूट जाएंगे गर्मी में। गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? गंदा नहीं बता। इससे अच्छा मैं लकड़ी, आप जला लकड़ी से आप भी देगी लकड़ी, लकड़ी जलाएंगे आप? और क्या? क्यों देखें, लकड़ी मत जलाएं भाई साहब, पता है क्यों? शहर आपके पहचान में कितने लोग हैं शहर में? में बहुत है। 50-100 होंगे, हाँ ठीक है? अब मैं बताता हूँ, 50-100 याद रखना, ठीक है? अगर आप लकड़ी जलाओगे तो लकड़ी से पोल्यूशन होगा, अच्छा पोल्यूशन होगा तो उससे आपके फेफड़े खराब होंगे, अच्छा फेफड़े खराब होंगे, आपको सांस लेने की दिक्कत होगी, सांस लेने की दिक्कत होगी, हो सकता है आपकी जान चली जाए, अच्छा और जान चली जाएगी तो जिस लकड़ी को आपने जलाया ना, वैसे ही थोड़ी और लकड़ियों पे आपको भी लिटा के, और फिर वो जो 50-100 लोग आपके पहचान के, वही आके उसी लकड़ी पे अपना हाथ सेक के कहेंगे यार बहुत ठंड है। अरे गलत तो बोल रहे हैं आप, चल नहीं, लकड़ी नहीं जलाना, पॉल्यूशन हो रहा है।
कभी कभी समझाने के लिए ऐसा हार्ड सोना पड़ता है, ठीक है? तो पोल्यूशन से खुद को बचाते रहो, रेड एफएम बजाते रहो, लकड़ियां मत जलाते रहो, लकड़ियां। ओके बाय। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, मैं से बहुआ बात कर रहा हूँ, क्या मेरी बात हो रही है? हाँ हाँ, बोल रहा हूँ। क्या ये उचित समय होगा आपसे थोड़ी बातचीत करने का? भाई बातचीत तो मैं कर लूंगा, लेकिन थोड़ा ठीक से तो बात कर ले। हेलो, क्या आप, मेरी आवाज आपको आ रही है? भाई तेज बोलने को नहीं बोल रहा, ठीक से बोलने को बोल रहा। अच्छा, मैं कह रहा था ये नेटवर्क में शायद कोई इशू हो रहा है आपसे। मैं बोलिए जल्दी। मैं कह रहा था कि हमारी कंपनी की एक पॉलिसी है कि कस्टमर जैसा चाहे हम उसके साथ वैसे ही सर्विस देते हैं, वैसे ही बर्ताव करते हैं। तो मैं बस ये जानना चाहूँगा जानकारी के लिए कि आपको क्या लगता है इंसान कैसा होना चाहिए, जबान से अच्छा या मन से अच्छा? भाई मन से अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो मैं ये नोट कर लूँ? कर लो। हाँ ठीक, एक सेकंड। इंसान मन से अच्छा, लिख लिया मैंने जी। तो तेरा पूरा नाम बता फट से। एक्सक्यूज मी, ये पूरा नाम है? एक्सक्यूज मी, नहीं आप बोलने की तमीज है आपको? नाम बता देना फटाफट से, जल्दी बता। हाँ, नाम है। ठीक है, सरनेम? कुमार। ठीक है, और कब गलती हुई थी तेरे माँ बाप से, मतलब तू कब पैदा हुआ था? अबे वो जबान संभाल के बात कर ले। आप देख, गंदा बोल मत। गंदा क्या, ऐसा पूछ। सुन, कब घर में घुसूंगा, कॉलर पकड़ूंगा और छोड़ के चले जाऊंगा, मारूंगा नहीं। उतने तेरे औकात ही नहीं मार। डेट ऑफ बर्थ बता जल्दी। हाँ, 10 दिसंबर। क्या करते तेरा बाप, नाम बता उसका। अरे वो तमीज से बात कर ले। पापा का नाम बता। हाँ, आ गया ना औकात पे। हाँ बोल बोल। हाँ, चल कुमार। बढ़िया, खंबे के नीचे रहते, सड़क की किनारे घर है तेरा? हाँ घर है। हाँ वाह, घर है। चल, गाड़ी की तो औकात होगी नहीं, घर है तो सारा घर में लगा दिया होगा। हाँ तुझे कैसे पता गाड़ी की औकात नहीं है, मेरे पास दो दो गाड़ियाँ हैं। माँ के गहने बेच दिए मतलब? तू कहाँ से आया, फोन रख। कोई है, शादी हुई है, गर्लफ्रेंड है कोई? तेरे को क्या लेना गर्लफ्रेंड? नहीं पूछ, डिटेल ले रहा हूँ, बोल। हाँ है। अब गहने बेच के गाड़ियाँ लेगा तो लड़कियाँ तो भागेंगी पीछे। हाँ ये तेरी माँ के गहने बेचे थे। चल रख फोन। भाई तू नहीं बोला था, मैं दिल का अच्छा हूँ, जबान खराब है तो क्या, डिटेल दे दे फटाफट। अपनी जबान अपनी। Yes, भाई तूने बोला था दिल का अच्छा होने चाहिए, इसलिए मैं रूडली बात कर रहा हूँ। अगर चाहिए तो मैं पीछे से बुरा हो सकता हूँ, मुंह पे अच्छा बात करूंगा, बता। तू पीछे से बुरा है, आगे से बुरा है। रख फोन। गलत बोल रहा है, 93.5 एफएम बजाते रहो। देखा, हेंस प्रूव्ड कि इंसान को मुंह पे अच्छा होना चाहिए, पीछे अच्छा होकर कोई फायदा नहीं। देखा क्या इज्जत रहेगी मेरी। बहुआ बोलो नमस्ते। इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बहुआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। हेलो हेलो अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो, आपकी आवाज से लग रहा है। क्या लग रहा है? कि आप ही हो। कौन? आप ही हो, पक्का डन। हेलो हेलो। मुझे तो लगता है आप ही हो। अरे किस चीज में मैं ही हूँ? आपकी आवाज सुन के लग रहा है आप ही हो। तेरा जीजा होने वाला? नहीं नहीं, आप ही हो। ठीक, कौन बोल रहा है? मैं रख रहा हूँ, आप ही हो। हेलो भाई साहब, आप ही हो मुझे लग रहा है। अरे आप ही हो। कौन बोल रहा है? आपकी आवाज से कंफर्म हो गया कि आप ही हो। अरे मैं हूँ, मुझे पता मैं हूँ, लेकिन ये बता कि एक सेकंड, कंफर्म हो गया आप हो, पता है क्या? क्या? आप नरक में जाओगे, आप ही हो। हाँ तेरी मैं नरक में जाऊंगा। नरक में जाओगे, बताऊं क्यों? अच्छा कैसे बताता हूँ? आप मुझे जानते हो? नहीं। पहचानते हो? नहीं। तो न जान न पहचान, जो कहते हैं न जान न पहचान, मैं तेरा मेहमान। और मेहमान भगवान समान होता है, और भगवान को आपने अभी अभी छीछी बोल के गंदा गंदा बोला है, और भगवान को छीछी बोल के गंदा बोलने वाला नरक में ही जाता है, इसलिए मैं कह रहा था आप ही हो। नरक कोई नहीं, तेरे के बच्चे। आप ही हो जो नरक में जाओगे, मैं नहीं कह रहा। नरक से गलत बोल रहे हैं आप। चल तेरी। और सुनो सुनो, एक से हेलो। हाँ। नरक में जब जाना ना, तो वहाँ लोगों को बताना कि वो लोग भी क्यों आए नरक में, क्योंकि उन लोगों ने भी जाने अनजाने में छीछी बोला। गलत आदमी आप। हेलो
हाँ एक बार हेलो बोलो। हेलो आप ही हो तेरी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो किसी को गंदी बात छी छी बोलना हो क्या।